आप पूरे दिन में सिर्फ दो लोगों से बात करते हो, एक तो आउटर वर्ल्ड जिसमें आपकी फैमिली कलीग फ्रेंड्स आते हैं और दूसरा है आप खुद। अब मैटर ये करता है कि आप खुद से क्या इंटरनल कन्वर्सेशन करते हो, क्योंकि हमारा इंटरनल कन्वर्सेशन एक पावरफुल रोल प्ले करता है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर कैसे होंगे। क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि हम खुद से जो बोलेंगे वही हम बनेंगे। ऑथर सैड हेल्मस्टेटर बुक What to say when you talk to yourself में कहते हैं कि इंटरनल कन्वर्सेशन या सेल्फ टॉक इज कॉर्नर स्टोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अब सेल्फ टॉक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर हमारा सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो सक्सेस गारंटीड है, अगर सेल्फ टॉक निगेटिव है तो खेल खत्म। कई बार तो हम अनजाने में खुद से निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। हमारा माइंड जो है ना एक उपजाऊ मिट्टी फर्टाइल सॉइल की तरह है। अभी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा बीज इसमें बोते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक सक्सेस का सीड है और निगेटिव सेल्फ टॉक वो खरपतवार है या वीड है जो ग्रोथ को रोकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रिकी मार्केटिंग प्रोफेशनल है इन अ बिग एमएनसी जो कि हाईली क्वालिफाइड और स्किलफुल है, फिर भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितने कि उसके काउंटर पार्ट्स, जिससे वो बहुत डिप्रेस रहता है कि उसके जूनियर्स का प्रमोशन हो गया बट उसका नहीं। तो वंस इसी डिप्रेशन में रिकी एक बार में बैठा था जहां उसको उसका एक्स बॉस मिल गया और एक्स बॉस ने उसे बताया कि उसका प्रॉब्लम वो खुद है, क्योंकि वो हमेशा निगेटिव सेल्फ टॉक से घिरा रहता है। जब उस रात रिकी वापस आया तो उसने सोचा उसका एक्स बॉस तो सही बोल रहा था। रिकी का इंटरनल डायलॉग निगेटिव सेल्फ टॉक से डोमिनेट रहता था। वो ज्यादातर खुद से कहता था, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट हैंडल चैलेंजेस एंड आई विल नेवर सक्सीड इन माय करियर। इस निगेटिव सेल्फ टॉक से वो नए प्रोजेक्ट्स लेने से डरता था, मीटिंग्स में बोलने से हेजिटेट करता था जिसका एडवांटेज कोई और ले जाता था, और सबको इवन रिकी को खुद लगता था कि वो कैपेबल नहीं है। फिर रिकी ने अपने उस एक्स बॉस को फोन लगाया और पूछा, इस निगेटिव सेल्फ टॉक को दूर कैसे करूं। तब उसने रिकी को व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बुक के बारे में बताया। रिकी ने उस बुक को पढ़ा और कॉन्शियसली अपने निगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव अफर्मेशन से बदला। अब वो ये कहने के बजाय कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो खुद से खुद को बताने लगा कि आई एम स्किल्ड एंड कैपेबल, आई कैन हैंडल एनी चैलेंज दैट कम्स माय वे। और रिकी ने ये सब लगातार 21 दिन किया विद फुल बिलीफ। इससे रिकी ने चेंज फील किया, वो अब खुद से नए प्रोजेक्ट्स के लिए वॉलंटियर करने लगा, मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। अब उसके पास करेज था टू अप्लाई इन ए हायर लेवल प्रमोशंस और नेक्स्ट प्रमोशन प्रोसेस में ही वाज प्रमोटेड। दोस्तों हमारा ब्रेन सिर्फ सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है बट ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है, हर तरह की चेंज को अडॉप्ट कर सकता है। इसके लिए ऑथर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर और सेल्फ टॉक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर ब्रेन का लैंग्वेज ही निगेटिव सेल्फ टॉक है तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। अभी तुम पर डिपेंड करता है यू आर यूजिंग विच लैंग्वेज। पॉजिटिव सेल्फ टॉक ब्रेन को रिजिलियंट मोटिवेशन देता है और निगेटिव सेल्फ टॉक स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ब्रेन को दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा मेंटल और इमोशनल हेल्थ डिसाइड करता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग क्रिएट्स बिलीव्स, बिलीफ क्रिएट एटीट्यूड, एटीट्यूड क्रिएट्स फीलिंग, फीलिंग्स डिटरमाइन एक्शंस एंड एक्शंस क्रिएट रिजल्ट्स। इसको समझते हैं प्रवीण तांबे की क्रिकेट जर्नी से। जब बाकी क्रिकेटर्स रिटायरमेंट ले चुके होते हैं तब प्रवीण तांबे ने 40 इयर्स ऑफ एज में अपने करियर को स्टार्ट किया था। जैसा कि हमें मालूम है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की एबिलिटी है टू अडॉप्ट एंड रिकॉग्नाइज इटसेल्फ, तांबे के केस में उनके ब्रेन ने प्रोफेशनल क्रिकेट के चैलेंजेस को अडॉप्ट कर लिया। एक मिथ को तोड़ते हुए किसी भी न्यू स्किल को सीखना या उसमें एक्सेल करना एक सर्टेन एज तक ही लिमिटेड है। तांबे को क्रिकेटिंग करियर में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, एज भी बढ़ रही थी, जिससे सब क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या प्रवीण प्रोफेशनल लेवल पर कम्पीट कर पाएंगे। कभी कभी तो ये सब बातें उनके मन में भी आती थी बट इन सब निगेटिव सेल्फ टॉक की जगह उन्होंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाया और उनको जो सक्सेस मिली वो उनके क्रिकेटिंग स्किल्स के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक से भी मिली। क्योंकि स्किल्स तो कईयों में होती है बट अगर सक्सेस मिलने में देर होती है तो कई बार हम हार मान लेते हैं, बट तांबे ने हार नहीं मानी। वो खुद से बोलते थे कि एज इज जस्ट अ नंबर, डेडिकेशन एंड स्किल ज्यादा मैटर करते हैं। इस पॉजिटिव डायलॉग ने उनके ब्रेन को रिवायर किया और ब्रेन को ज्यादा रिजिलियंट और एडॉप्टिव बनाया। तांबे का ब्रेक थ्रू मोमेंट तब आया जब उन्हें IPL में खेलने का मौका मिला एट द एज ऑफ 41, ओल्डेस्ट प्लेयर टू डेब्यूट फॉर IPL। इसके पहले उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला था बट उनकी परफॉर्मेंस किसी वर्ल्ड क्लास बॉलर से कम नहीं थी। तांबे की सक्सेस ये बताती है, इट्स नेवर टू लेट टू परस्यू वन पैशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हम वो अचीव कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल लगता है। सक्सेस के लिए हमें सेल्फ टॉक को पावर स्टेटमेंट बनाने होंगे, इसमें निगेटिव स्टेटमेंट और बिलीफ की जगह अफर्मेशन यूज करने होंगे। जैसे कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम कैपेबल एंड
deserving of success and I have skills and qualities needed for the promotion. I can face any difficulty and overcome it. इसमें बस आप इंश्योर करो कि आपके अफर्मेशंस क्लियर हो। सिर्फ कोई और कहता है तो हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उस पर बिलीव करो, जैसे कि माय एनालिटिकल स्किल्स एंड डेडिकेशन सेट मी अपार्ट इन द फील्ड। ऑथर इसके लिए मिरर टेक्निक के बारे में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रोज सुबह सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद को देखो, अपने आंखों से आंख मिलाकर और कॉन्फिडेंस के साथ वो हर लाइन पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलो जो तुम अचीव करना चाहते हो। तब तुमको पता भी चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, खुद की बातों पर बिलीव है कि नहीं। तुम मोटे हो, पतले होना चाहते हो, खुद को मिरर में देखो, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? एक ऐसा शरीर जो तुम्हें नहीं पसंद है और तुम इसे चेंज करना चाहते हो? मिरर में खुद को देखो और खुद से बोलो, मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, मैं वेट लॉस करूंगा, मैं फिट बनूंगा, और विजुअलाइज करो एज एक्सट्रीमली फिट पर्सन। और यहाँ आता है पावर ऑफ रिपीटिशन, क्योंकि एक दिन में करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके लिए रिपीटिशन का यूज करना होगा, मींस इन सब अफर्मेशंस को रोज रोज डेली 21 दिन करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम निकालना होगा, अपने डेली रूटीन में कभी भी यूज दिस अफर्मेशंस, जैसे कि घर से ऑफिस जाते हुए, जिम करते हुए, या और कभी भी। बिकॉज रिपीटिशन ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर से निगेटिव सेल्फ टॉक को बाहर निकाल देगा, जो कि कभी आपको डोमिनेट कर रहा था। अब सेल्फ टॉक को डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथर इसके लिए 5 लेवल्स बताते हैं। लेवल फर्स्ट, नेगेटिव एक्सेप्टेंस। आप आउटराइट मान लेते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा। आई कांट डू इट, आई एम नॉट गुड इनफ, इट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट अचीव इट। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लोगे, तो आप आउटराइट मना कर दोगे और कहोगे इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। और वहीं आपको भी मालूम होगा कि दुनिया में कितने ही लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं और कितने ही उसकी तैयारी कर रहे होंगे, बट आप आउटराइट मान लेते हो कि यू कांट डू इट, बिना ये सोचे कि अगर आप उसकी प्रिपरेशन करो तो शायद आप वो कर लोगे। लेवल 2, रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज, अवेकनिंग टू पॉसिबिलिटीज। इस लेवल में आप ये रिकॉग्नाइज करते हो कि चेंज की जरूरत है, बट उसके लिए आप कुछ करते नहीं हो। जैसे कि अगर कोई ओवरवेट हो रहा है तो ये जानता है कि उसे अपने डाइट चेंज करनी चाहिए या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, बट वो सिर्फ सोचता है, जानता है कि क्या करना है बट करता नहीं है। यहाँ पर आप यूज करते हो आई नीड टू, आई शुड। लेवल 3, द डिसीजन टू चेंज, एम्पावर्ड चॉइसेस। लेवल 3 मींस आप एक और स्टेप लेते हो, डिसीजन लेते हो टू चेंज योरसेल्फ। एक निगेटिव सेल्फ टॉक करने वाला बंदा अपने सेल्फ टॉक पैटर्न को चेंज करने का डिसीजन लेता है टुवर्ड्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे कि ओवरवेट बंदा अपनी ओबेसिटी को एक्सेप्ट करता है और ना ही वो ये सोच कर रुक जाता है कि उसे कुछ करना चाहिए, बल्कि वो डिसाइड करता है टू ईट हेल्दी फूड, टू एक्सरसाइज, या कोई चेन स्मोकर है तो वो स्मोकिंग क्विट करने का फैसला लेता है। यहाँ आप यूज करते हो आई नेवर ईट मोर देन आई शुड, आई नेवर गेट अपसेट इन द ट्रैफिक, आई नो लॉन्गर स्मोक एनीमोर। लेवल 4, द बेटर यू, एम्ब्रेसिंग पर्सनल ग्रोथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव लेवल है सेल्फ टॉक का, क्योंकि इसमें आप हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ माइंडसेट देती है, बट ये सबसे लेस यूज होती है। यहाँ पॉजिटिव अफर्मेशंस अब आपके डेली रूटीन का नेचुरल पार्ट बन गए हैं। यहाँ पर ओबेस बंदा आप खुद से ये बोलता है कि मेरी डाइट अच्छी हो गई है, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अब फिट हो रहा हूँ, आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम ए विनर, आई एम हेल्दी। लेवल 5, यूनिवर्सल अफर्मेशंस, एम्ब्रेसिंग पॉजिटिविटी बियॉन्ड सेल्फ। ये फाइनल स्टेज है सेल्फ टॉक का। यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के पर्सनल अचीवमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब दूसरे को भी इंस्पायर करते हैं टू हैव पॉजिटिविटी इन लाइफ। इस लेवल में बंदा सिर्फ पॉजिटिविटी रेडिएट करता है और उनको इनकरेज करता है जो अभी भी पिछले लेवल में फंसे हुए हैं। अगर अभी किसी को सेल्फ टॉक समझ में नहीं आया या डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके लिए ऑथर ने कुछ टेक्निक्स बताए हैं जिससे कोई भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक बड़े आराम से सीख सकता है। फर्स्ट, साइलेंट सेल्फ टॉक। साइलेंट सेल्फ टॉक कुछ भी हो सकता है जो आप सोचते हो अपने बारे में या औरों के बारे में, वो भी कॉन्शियस माइंड से या सबकॉन्शियस माइंड से। मान लो आप सुबह सुबह उठे हो मॉर्निंग वॉक के लिए और खुद से ये कहने के बजाय कि काश मुझे उठना नहीं होता, काश मैं ऐसे ही बेड में सोया रहता, आप खुद से कहते हो कितना अच्छा दिन है, कितना अच्छा मौसम है, मॉर्निंग वॉक करके मजा आ जाएगा। साइलेंट सेल्फ टॉक इज जस्ट रिफ्रेजिंग ऑफ द ओल्ड वर्ड्स विद न्यू वर्ड्स। अब रोज रोज आप जब भी खुद से कुछ निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो या बोलते हो, तो उसका एक मेंटल नोट बनाओ और इमीडिएटली उसे चेंज करो टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे कि कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गई, तो अब ये बोलने के बजाय, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो कि आई कैन हैंडल दिस। सेकंड, सेल्फ स्पीक। जो भी खुद से या दूसरे से खुद के बारे में लाउडली बोलते हो, वो है सेल्फ स्पीक। मान लो आपने करंट जॉब से खुश नहीं हो और अपने दोस्त से बताते हो कि आपको सफोकेशन होता है अपनी जॉब में, लेकिन ये बोलने से आपकी जॉब सिंपल हो जाएगी। अब अगर आप जॉब चेंज कर सकते हो तो कर लो, बट ये इतना सिंपल तो है नहीं, तो आपको अपने एटीट्यूड चेंज करना होगा। हम सबके लाइफ में ऐसे बैड और टफ सिचुएशन आते हैं और ये हम पर ही है, हम उस सिचुएशन को अपने अगेंस्ट जाने देते हैं या उसको डिफरेंटली देखकर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। और यही आता है सेल्फ स्पीक, क्योंकि जो विनर होते हैं ना, वो इसी सेल्फ
स्पीक का यूज करके लॉयन मेंटेलिटी दिखाते हैं। इसीलिए आप जो भी बोलते हो उसे खुद ध्यान से सुनो, और अगर उसमें नेगेटिविटी है तो चेंज इट विद पॉजिटिविटी। थर्ड, सेल्फ कन्वर्सेशन। सेल्फ कन्वर्सेशन सबसे सिंपल टेक्निक है ऑफ सेल्फ टॉक। इट मीन खुद से जोर जोर से बात करना। हम सब ये कभी ना कभी करते हैं, बट धीरे से। बट इसे आपको जोर से करना है। पहले तो घर में अकेले में करना, या बाथरूम में, नहीं तो लोग पागल समझेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। इट्स अ साइंस। जब आप खुद से जोर जोर से बात करते हो तो आप खुद से ही क्वेश्चन पूछते हो, खुद ही आंसर देते हो, और आपको ऐसे आंसर्स मिलते हैं जो आप बिलीव नहीं करोगे। फोर्थ, सेल्फ राइट। इसमें आप अपने सेल्फ टॉक को राइट डाउन करते हो। जो भी आप सोचते हो उसे लिखो, फिर पढ़ो। सब ऐसा नहीं कर पाते हैं और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, बट जब आप अपने खुद के इंटरनल कन्वर्सेशन को पढ़ोगे तो खुद ही दिख जाएगा वो निगेटिव है या पॉजिटिव। फिर आप उस पर काम कर सकते हो। फिर पॉजिटिव सेल्फ टॉक को लिखो और डेली 21 दिन उसको पढ़ो। इसका रिजल्ट अमेजिंग होगा। फिफ्थ, रिकॉर्ड सेल्फ टॉक। अब जो भी लेवल 3 लेवल 4 ऑफ सेल्फ टॉक में बताया है उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। डेली 21 दिन तक उसको सुनो। आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम गोइंग टू गेट द प्रमोशन एक्सेट्रा। ये बहुत अच्छा काम करता है, आप इसे ट्राई करके देखना। सिर्फ 15 मिनट डेली 21 दिन। तो दोस्तों, ऑथर ने इस बुक में जो भी बताया है रिलेटेड टू पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अगर आप उसे 21 दिन तक लगातार करते हो तो आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर देते हो, जिससे आप निगेटिविटी से बाहर निकलोगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, जो कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको चैनल पर आए हर नए अपडेट्स और वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।